वेलकम शेयर्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। हम हमेशा अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहते हैं और बुरे स्टॉक्स के बारे में बता के आपको दूर रखते हैं ताकि आपका पैसा वेस्ट ना हो, आपको अच्छा रिटर्न मिल सके, इसलिए अच्छे स्टॉक्स में ही पैसा इन्वेस्ट करें। आइए आगे आज बढ़ते हैं। देखिए, पहले हम कमेंट सेक्शन में हैं, हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे, एक हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा है कि सर हमें इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बताइए, उसके स्टॉक प्राइस के बारे में बताइए। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। विनोद कुमार पंडित साहब ने पूछा, कब वैकेंसी निकलेगी सर? देखिए, बंधन बैंक में मैंने किसी जॉब के लिए वैकेंसी के लिए यहाँ पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं दी है। मैंने इसकी कंपनी, इस बैंक के बारे में बताया है और इसके स्टॉक प्राइस जो शेयर मार्केट में होता है ना, अगर आप शायद परिचित हों, मुझे लगता है गलती से इन्होंने यहाँ पर कॉमेंट कर दिया है। दूसरा, यहाँ पे सागर साहब ने पूछा, थिरुमलाई केमिकल्स के बारे में प्लीज़ एक वीडियो बनाइए। ज़रूर, अभी थोड़ा सा रिसर्च चेक करूँगा, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगा। यहाँ पे राजेश सिंह साहब ने बोला है कि सर एटके माइल्स का क्या करें? चलिए, पीछे हमें कई कमेंट्स मिले कि एटके माइल्स में बताइए, तो मैंने जब उस कंपनी और उस स्टॉक के बारे में देखा तो मुझे लगा कि बताना चाहिए लोगों को, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। और चलिए पहले उसकी वेबसाइट पर चलते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे इसकी वेबसाइट है एटके माइल्स। अवर कैपेबिलिटीज़, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन, मैनेज सर्विसेज, बिग डेटा एनालिटिकल्स, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है ये कंपनी, आईटी से रिलेटेड कंपनी है। अवर पार्टनर्स गूगल सर्विसेज नाउ, ओरेकल, आईबीएम, स्प्लंक, न्यू रेलिक, इतनी ज़बरदस्त इसके क्लाइंट्स हैं। अमेजॉन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर, ये सब इसके पार्टनर्स हैं, नॉट क्लाइंट्स। कंपनीज वी सर्व, एक्टेलियन, सिस्को, अल्फ्रेस्को, डॉलर बैंक, जिनोन लाइफ साइंस, हवाई पैसिफिक हेल्थ, ऑफिस मैक्स। तो ये बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों की ये सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं आईटी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। और अब हम चलेंगे इसकी ये देखिए, यहाँ पे आ गए हैं हम इनकी साइट पे। आज देखिए 26 मार्च 2019, समय हो रहा 12:01, और आज का जो इसका प्राइस है 94.90 रुपये है और 2.60 रुपये की डाउनसाइड दिखा रहा है। देखिए, 52 वीक लो बनाया था इसने 55.40 रुपये का, और हाई जो था एक साल पहले 851.95 रुपये। अब सबसे बड़े सदमे वाली बात है कि 851 रुपये से एक साल के अंदर 55 रुपये तक का लो मारा था। तो हम देखेंगे कि इसमें इतना भयानक जलजला क्यों आया था। मतलब जिन्होंने यहाँ पे 851 रुपये का भाव पे ख़रीदा होगा या 800 रुपये के भाव पे ख़रीदा होगा, उसका पैसा तो सीधे मिट्टी में मिल गया। इतना भी कोई टूटता है क्या? तो पहले हम जानेंगे क्यों ऐसा हुआ। अब देखिए चार्ट पे, यहाँ पे हाई है और ये सीधे गिरता गया, लो यहाँ पे मारा और आज इसका भाव आपने देखा ही है। 100% लोग कह रहे हैं बाई कर लीजिए सेंटीमीटर में। भाई, मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। देखिए, मार्केट कैप है 290 करोड़ की, एक माइक्रो कैप कंपनी है ऑब्वियसली। अर्निंग पर शेयर देखिए 74 है, जो स्टॉक प्राइस 94 के आसपास है, उस स्टॉक प्राइस की कीमत में वर्तमान में जो स्थिति है, 74 रुपये एक शेयर पर इसकी कमाई है, ज़बरदस्त कमाई है, सल्यूट करता हूँ मैं। पी इसका कितना कम है अभी, 1.29 की है, बुक वैल्यू है 209 की, मतलब बुक वैल्यू से कितने नीचे पे ट्रेड कर रहा है। सब चीज़ अच्छा लग रहा है यहाँ पे, प्राइस टू बुक है 0.46 भी है, इंडस्ट्री पी है 23 की और इसकी पी है 1.29 की, डिलीवरेबल है 67.48 की। तो ऐसा क्या हुआ, हम ज़रूर निकालेंगे ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ। रिजल्ट्स पे नज़र मारेंगे एक हल्का फुल्का, क्योंकि मुझे पता है कि नेट सेल्स, अगर हम इस पे जाते हैं कंसोलिडेटेड पे, देखिए मार्च 18 में 219 का था, जून 18 में 240 करोड़, सितंबर में 282 और दिसंबर में 260। तो क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं थोड़ा सा यहाँ डाउन साइड है। नेट प्रॉफिट में भी देख लीजिए, यहाँ पे सितंबर से 62 की थी और दिसंबर में 57.80 की, मतलब यहाँ पे भी 57 लाख और यह 57 करोड़ दिसंबर 18 के हैं नेट प्रॉफिट,
और सितंबर में इसको 62 के, तो यहाँ पे भी डाउन साइड है। मार्च 18 में भी देखिए यहाँ पे भी, उसके मुकाबले अगर हम करते हैं मार्च 18 से दिसंबर 18 के 9 मंथ के, तो यहाँ पे भी देखिए डाउन साइड है। नेट डेट टोटल कर्जा इस पे है 75 करोड़ 99 लाख। और तो अभी तक जो हमने देखा, देखिए एक दो क्वार्टर से एक साल के रिजल्ट्स अच्छे ना आए, लेकिन इतना भाव नहीं टूटता कि सीधे 850 से 50 रुपये का हो जाए स्टॉक। कुछ तो गड़बड़ है। अब हम वो गड़बड़ी भी बता देंगे क्यों गड़बड़ है। अभी देखिए क्या है, क्वालिटी क्यों है एवरेज, मैनेजमेंट रिस्क, क्वालिटी एवरेज क्वालिटी कंपनी। सेल्स ग्रोथ देखिए ज़बरदस्त 109.50%। EBIT ग्रोथ है 130, बताइए। सेल्स ग्रोथ नहीं ज़बरदस्त है, EBIT ग्रोथ भी ज़बरदस्त है। और पी तो हम देख ही चुके, ROCE इसका 41.89% है, ROE 28.39 है। जब सब कुछ अच्छा है तो फिर क्यों इतना टूटा भाई। तो वर्तमान स्थिति है, एक साल पहले भी अच्छा रहा होगा, देखा ही हमने, दो तीन सालों के भी रिजल्ट्स देखे तो इतने में कोई बुराई नहीं थी। वेरी अट्रैक्टिव पे लो कर रहा, तो क्या हमें खरीद लेना चाहिए। फाइनेंशियल ट्रेड देखिए पॉजिटिव है। अब रिटर्न तो ऑब्वियसली जब इतना टूट चुका है तो रिटर्न यहाँ पे तो लाल ही दिखेगा। 5 साल से दिखा रहा है कि कंपनी लिस्टेड है और 5 साल के से यहाँ पे रिटर्न दिखा रहा, और मैं आपको बताना नहीं चाहता कि कितने बुरा रिटर्न है 4 सालों से। 5 सालों में 153% का भी जिन्होंने लगाया था पैसा 5 साल पहले, उनको 153% का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन 4 सालों से पैसे को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया है। चलिए शेयर होल्डिंग में देखते हैं। देखिए अब शेयर होल्डिंग में देखिए प्रमोटर्स के पास यहाँ पे सितंबर में थी 48%, मतलब 50% करीब, 48.94%, और सीधे दिसंबर में क्वार्टर में इन्होंने 38.2% की रह गई, मतलब 10% 11% पौने 11% करीब इन्होंने यहाँ पे होल्डिंग उड़ा दी, अपनी गिरवी रख दी, यहाँ पे बेच दिए शेयर्स। प्लेज शेयर्स हैं 14% 14.25% के करीब हैं इनकी होल्डिंग्स में। म्यूचुअल फंड्स के 0 हैं। FIIs 12, FIIs की 1.18% की होल्डिंग है। और इंडिविजुअल जो है खुदरा ग्राहक, वही भर भर के देखिए यहाँ पे भर रखा है लोगों ने 48.37%, मतलब अभी भी नहीं मान रहे लोग, मानना पड़ेगा। एनीवेज चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने बता ही दिया कि कंपनी क्या करती है, IT सॉफ्टवेयर, सुराना उद्योग और माइक्रो कैप कंपनी है। डिविडेंड इन्होंने 2017 में ही पे किया था, 18 में नहीं पे किया हुआ है, और अपनी इंडस्ट्री में 48 नंबर पर कंपनी है। दोस्तों ये एक न्यूज़ है, मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगा। अलीज्ड फॉर्जरी एट अ प्रमोटर एंटिटी एस 28 के माइल्स वूज। यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए कुछ हिंदी भाषी भी लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और मोटा मोटी हिंदी में बता दूंगा, क्योंकि इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ तो पहले पढ़ना पड़ेगा। द ऑडिटर रिजिग्नेशन सागा इन इंडिया कंटिन्यूज टू टेक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स। एन ऑडिटर ऑफ 8 के माइल्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड क्विट अलीजिंग दैट द कंपनी फोर्स हिज सिग्नेचर्स ऑन बैंक इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स टू ट्रांसफर मनी अब्रॉड। समझ गए आप। इन अप्रैल चेन्नई बेस्ड GHG एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टेंडर्ड इट्स रिजिग्नेशन टू 8 के माइल्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड अलीजिंग दैट द कंपनी मिसयूज्ड द ऑडिट फर्म्स लेटर हेड सील एंड सिग्नेचर ऑफ वन ऑफ द ऑडिट पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द रिजिग्नेशन लेटर दैट सरफेस रिसेंटली ब्लूमबर्ग हैज ऑप्टेंड अ कॉपी ऑफ द लेटर। द अलीज्ड forgery was done in 9 over seized direct investment certificates submitted by the 8K Miles Media to Indian Bank Limited's Porur branch for transferring a total of $7.1 million to the company's unit in the New Jersey. मतलब जो इनकी एक यूनिट है न्यू जर्सी में, वहाँ पर इन्होंने 7.1 million और वो भी सिग्नेचर सील एक जो ऑडिट पार्टनर था उसका लेके इन्होंने उन्होंने मतलब घपला किया और उस बिना बताए एक मिला के उन्होंने पैसे को गलत तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया।
The 9 transactions were done between June 21, 2017 and March 28, 2018, मतलब 9 बार ट्रांजैक्शन किया गया है इस तारीख के बिटवीन बीच में, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन इन द रेजिग्नेशन लेटर, जो उनके जो ऑडिटर्स हैं, जो उनके सीए हैं कंपनी के, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और उन्होंने ये रीज़न बताया कि जो है मैनेजमेंट ने जो है गलत तरीके से हमारे सील, हमारे सिग्नेचर, हमारे लेटर हेड्स से पैसे ऐसे करके एक पार्टनर, वन ऑफ द ऑडिट पार्टनर्स सिग्नेचर ऑफ हमारे जो एक ऑडिट पार्टनर्स की इन्होंने चोरी करके या ले के गलत तरीके से पैसे ट्रांसफ़र किए हैं बैंक से। तो ये मैनेजमेंट पे बहुत बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया और इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो जब रिज़ाइन कर दिया तो उसी दिन से 7% का सर्किट लगा और फिर लगता ही गया, लोअर सर्किट लगता ही गया और नीचे आता गया स्टॉक प्राइस, आते 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 850 से आपने देखा कि 55 रुपये पे आके रुका और आज जो है 94 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। बढ़िया कंपनी काम कर रही थी, लेकिन मैनेजमेंट अच्छा ना हो जिस कंपनी का तो देख लो क्या हालत हो जाती है, हम इन्वेस्टर्स का पैसा कैसे बर्बाद होता है। मैं किसी पर्टिकुलर आदमी को नहीं बोल रहा हूँ, पर्टिकुलर किसी कंपनी पे ब्लेम नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ आपको पढ़ के बताया जो न्यूज़ थी, जो डेटा अवेलेबल थे वो मैंने बताया, क्योंकि आप लोग अपनी मेहनत का पैसा लगाते हैं और अभी भर रखा लोगों ने। वर्तमान स्थिति में जो डेटा है नो डाउट बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैनेजमेंट भी तो देखिए। और ऐसे ही नहीं, कई ऐसी कंपनियों के ऑडिटर्स ने जिन्होंने रिज़ाइन दिया है ऐसे रीज़न दे के, चाहे वो आपका मनपसंद बेवरेजेस रहा हो रिसेंटली, उसका भी स्टॉक प्राइस नीचे डाउन आया था, क्योंकि लोगों को लग जाता है कि मैनेजमेंट ठीक नहीं तो इन्वेस्टर्स भागने लगते भाई। तो दोस्तों अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इस कंपनी में आपको क्या करना चाहिए। नहीं देखिए, अभी मैंने बोनस पे आ गया, कंपनी इतना बढ़िया काम कर रही थी कि देखिए बोनस कौन कंपनी देती है, जो इनकी तगड़ी कमाई हो रही है, जिनकी सेल्स ग्रोथ अच्छी है। देखिए 2016 में इन्होंने 3-1, मतलब जिसके पास 3 एग्जिस्टिंग शेयर्स थे उसको 1 शेयर दिया इन्होंने, 2012 में भी दिया था, डिविडेंड भी देती थी 2017 तक। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैनेजमेंट अच्छा नहीं था इस कंपनी का, इसलिए इसका ये कंपनी नीचे आ गई। और अभी भी देखिए रिजल्ट्स वगैरह तो अच्छे लग रहे हैं अभी, जिस हिसाब से इसका अर्निंग पर शेयर है, सेल्स ग्रोथ है, लेकिन अब मैं क्या कहूँ आप लोग, आप खुद समझदार हैं, मैं रिकमेंडेशन नहीं कर सकता। भैया जो जिस आदमी का हाई लेवल पैसा लगा रहा होगा वो तो बेकार हो गया ना, इसने लाखों लोग पैसे लगा रखे होंगे, तो जिस पे भरोसा ना हो तो कैसे अभी आगे क्या और कोई ऐसी बुरी न्यूज़ आ जाए। दोस्तों मैं तो सलाह नहीं दूंगा आपको, फिर भी अगर आप कोई भी स्टॉक्स लेते हैं तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि अपने आप फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर मशवरा कर लें, हमारा काम है सिर्फ जो हम डेटा होता है उस इन्फॉर्मेशन देना होता है, हम कोई जजमेंट नहीं देते आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।